अभी के समय बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि देश के सभी मंदिरों में रामायण महाभारत गीता कब पढ़ाई जाएगी या देश में गुरुकुल कब खुलेंगे। इस समय बड़ा प्रश्न यह है कि आप अपने घरों में रामायण महाभारत भगवद गीता उपनिषद और वेद कब से पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन जाए, मथुरा में भी मंदिर बन जाए, काशी विश्वनाथ का भी दरबार सज जाए, लेकिन हम और आप तो वही रहने वाले हैं ना। अगर हम और आप मूल रूप से नहीं बदल रहे हैं, अंदर से नहीं बदल रहे हैं, तो इन सारी उपलब्धियों का कोई महत्व नहीं रह जाता है आपके जीवन में। आपके जीवन में कुछ भी परिवर्तित नहीं हो जाएगा भगवान श्रीराम का मंदिर बन जाने के बाद, अगर आपने अपने जीवन में अध्यात्म को नहीं उतारा, अगर आपने घरों में भगवद गीता को खोल करके पढ़ना प्रारंभ नहीं किया। सिर्फ रखने और पूजा करने से आप सनातनी नहीं हो जाएंगे, आपको सनातन की विचारधारा भी रखनी पड़ेगी। हमने क्या किया है, पीढ़ियों दर पीढ़ियों से हमने उस ज्ञान को बंद करके रख दिया है और पूजा करने लगे हैं। अरे, पूजा कीजिए लेकिन उसको खोलकर पढ़िए भी, उसके अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है वो आपके जीवन को बदल देगा। वास्तविक रूप से अगर आप अपने आप को सनातनी कहना चाहते हैं तो अपने ग्रंथों को पढ़ना शुरू कीजिए। सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सनातनी लिख देने से आप सनातनी नहीं हो जाएंगे, ना ही सनातन धर्म के लिए आप कुछ काम कर पाएंगे। आपको मूल रूप से बदलना पड़ेगा और इसी दिशा में मैं भी प्रयास कर रहा हूं।